श्री जी सनातन सेवा संस्थान शिवगंज सिरोही राजस्थान के नेतृत्व में आचार्य दीदी डॉक्टर सरस्वती देव कृष्ण गोड द्वारा पंच धातु से निर्मित 1100 किलो का भव्य राम धनुष और 1600 किलो की हनुमान गदा श्री राम मंदिर अयोध्या में अर्पण करने के उद्देश्य से एक भव्य यात्रा का शुभारंभ 12 जून को हो रहा है। यह यात्रा 16 जून को अयोध्या पहुंचेगी। श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद शिवगंज के राम भक्तों ने अनूठी भेंट चढ़ाने का निर्णय लिया है। इस क्रम में 1600 किलो वजन की हनुमान गदा और 1100 किलो वजनी राम धनुष भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित किए जाएंगे। इन दोनों वस्तुओं का निर्माण सुमेरपुर में 2 दर्जन से अधिक श्रमिकों की मेहनत से हुआ है। यात्रा का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय करेंगे और विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री राजा राम का पूर्ण सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे। देखिए, हम राजस्थान से एक भगवान राम के लिए राम धनुष और हनुमान गदा हम शिवगंज सिरोही से प्रस्थान करवा के अयोध्या लेकर जा रहे हैं। पंच धातु की है ये दोनों ही। कितनी बड़ी है ये? एक 1100 किलो का तो राम धनुष है और 1600 किलो की गदा है। इसकी प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, हमारे सिरोही में एक गोपाल जी का मंदिर है, उनके छोटे से पुजारी जी, हमारा छोटा सा एक मंदिर है, तो उनके जो पुजारी जी हैं गोपाल देवी जी, उनके मन में वो स्वप्न के रूप में भगवान राम का दर्शन हुआ। तो उनका ये था कि भाई कि अब ये हो गया, तो हम सब लोगों ने मिलकर और शहर वालों ने मिलकर ये उसकी चीज़ों को कि जो स्वप्न अगर आई गया है तो उसे पूर्ण करना है, तो उस पूर्णता के लिए हम सब लगे हुए थे। और मतलब 2 दर्जन से ज़्यादा लेबर लगी हुई है रामनवमी से, अभी संपूर्ण हुआ है, आज ही संपूर्ण होकर आज वहाँ से प्रस्थान करवाया हम लोगों ने। वहाँ पर चंपत राय जी स्वयं आए हैं अयोध्या से, उसका वहाँ से प्रस्थान करवाने के लिए। राजा राम जी भाई साहब जो विश्व हिंदू परिषद के संगठन महामंत्री है, वो वहाँ पर वहाँ उपस्थित रहे। वहाँ के ओटाराम जी देवासी जी और वहाँ के जो सांसद जी, वो सब वहीं पर वहाँ उपस्थित रहे, उनके मौजूदगी में वो अभी प्रस्थान करवाया है हमने। और कल संध्या को अपने जयपुर में श्री माधव जो धाम है कानोता में, वहाँ पर इंद्रेश जी भाई साहब, निम्बाराम जी भाई साहब और अन्य गणमान्य जो मंत्रीगण हैं उनकी उपस्थिति में उनका आरती पूजन रखा है। और ये दर्शन पूजन हमने पूरी यात्रा में रखा है, यहाँ से लेकर अयोध्या तक जगह जगह वहाँ पर स्वागत का उनका हो रहा है। आगरा में होगा, लखनऊ में होगा और वहाँ के मंत्रीगण, वहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वगैरह वो सब लोग शामिल होंगे उसमें। कितने लोग हैं इस पूरे जत्थे में? इसमें हम लोगों के साथ एक्चुअल में पहले ये था कि हम लोगों ने बहुत सारे भक्तों को भी शामिल किया था, लेकिन चूंकि राम रथ के चलने का जो वो है वो 30 की स्पीड से चलता है क्योंकि भारी वजनी है, और बसों का जो था वो 60-70 की स्पीड से चल रहे थे, तो पूरा हमने रूट चेंज किया और रूट चेंज करके हमने यात्रा उस तरीके से की कि वो सीधा अयोध्या पहुँचेंगे। राम रथ के साथ में हम 5-7 जो बसें हैं वो और अपनी कुछ गाड़ियां हैं उनके साथ में, हम राम रथ के साथ में धीरे धीरे पड़ाव के साथ में चलते हुए स्वागत सम्मान जो भगवान राम के दर्शन का उनका होता जाएगा उसके अनुसार आगे बढ़ते जाएंगे।